इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 5 मैथ का चैप्टर 15। चैप्टर का नाम है पैटर्न। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ, दीपावली पर राजू की माँ ने घर की सफाई रंगाई के साथ ही दरवाजे की दीवारों पर कुछ डिजाइने भी बनाए। ठीक है, यहाँ पर हमें फोकस करना है क्या, दरवाजे की दीवारों पर कुछ डिजाइने भी बनाए। तो आप देख सकते हैं कि दरवाजा है, किनारे किनारे क्या है, डिजाइन है। ठीक है, डिजाइन। ये डिजाइन में आप क्या देख रहे हैं, पहले क्या है ऐसे है, फिर क्या है फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। समझ रहे हैं, एक एक छोड़ करके क्या है, सेम है। ठीक है, ये इनका बेटा है। ये पूछता है, माँ दरवाजे की डिजाइन बहुत सुंदर है, मुझे इस डिजाइन का पैटर्न बताइए। देखिए पैटर्न कहते हैं ना, उसमें कोई भी आकृति रहेगा ना, या फिर कोई सिंबल रहेगा, कोई प्रतीक रहेगा, वो एक निश्चित क्रम में रहेगा। जैसे यहाँ पर निश्चित क्रम क्या है, एक एक को छोड़ करके क्या है, सब सेम है। देखिए सेम सेम, अभी वाला क्या है, ये सेम, ये एक एक को छोड़ करके। तो इसके माँ बताती है, इसके लिए इस आकार को एक बार ऊपर एक बार नीचे किया और इसी को दोहराते गए। ठीक है, तो इसकी माँ बोलती है कि एक बार ऐसे किए, ठीक है, नीचे की ओर, एक बार ऊपर की ओर किए, एक बार नीचे की ओर, एक बार ऊपर की ओर। ठीक है, तो किस प्रकार का आकार है, इस प्रकार का। ठीक है, ये आकार कैसा है, ऐसे है, फिर एक और ऐसे है, ऐसे है, फिर एक और ऐसे करती है, ऐसे है तो फिर एक और ऐसे करती है। समझे, इसी तरह आगे बोला जा रहा है, अब आप भी यहाँ इस आकार से कोई नया पैटर्न बनाइए। कोई नया पैटर्न बनाना है, तो पैटर्न बनाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे वह एक वर्ग बना देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर कोना पे लगा देते हैं, तो लगा देते हैं, लग गया, फिर लगा देते हैं, एक और लगा दिए, हो गया। ठीक है, भले ही ठीक से नहीं हुआ लेकिन लगा दिए हैं, आप अच्छे से बना सकते हैं, हो गया चार। आप त्रिभुज भी बना के लगा सकते हैं किनारों किनारों पर। ठीक है, चार गो है, एक दो तीन चार हो गया, एक दो तीन चार। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बनाइएगा। ठीक, क्या हो गया, पैटर्न हो गया। पैटर्न क्या है कि जितना सारा कोना है ना, तो कोना पे यही बना दिए, एक भी कोना छोटा हुआ नहीं, यही पैटर्न है इसमें। आगे है, हम अपने आसपास बहुत से डिजाइन देखते हैं, जैसे रंगोली में, कपड़ों की डिजाइन में, क्या आप भी रंगोली के कुछ डिजाइन बना सकते हैं। तो अगर आप रंगोली के कुछ डिजाइन बना सकते हैं तो बनाइए। तो विभिन्न प्रकार के डिजाइन आप बना सकते हैं, तो ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, कुछ भी कीजिए, बस खाली सुंदर लगना चाहिए, तो क्या होता है, डिजाइन हो जाता है। तो आप कुछ भी बना दीजिए, हो जाएगा डिजाइन कुछ अच्छा सा। अब सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 1। लिखा हुआ, पैटर्न देखिए और क्रम को आगे बढ़ाइए। तो देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ दो, यहाँ तीन, तो यहाँ क्या होगा, चार, यहाँ पर पांच होगा, यहाँ पर होगा चार, एक दो तीन चार। ठीक है, और यहाँ पर होगा पांच, एक दो तीन चार पांच। तो इस तरह से पांच को बना दिए। आगे है, अब देखिए यहाँ पर एक एक गैप करके क्या है, सेम है। ठीक है, तो एक और गैप करके सेम बना दिए, हो गया, बन गया। उसके बाद देखिए ये और ये सेम है, तो उसके बाद ये भी यहाँ पर आएगा, तो ऐसे कर दिए और ऐसे कर दिए, तो एक गैप करके सेम है, तो यहाँ भी एक गैप होगा, तो गैप छोड़ दिए और इसमें बना देंगे। उसी तरह ये है, एक एक गैप करके है तो हो गया। आगे देखिए सब गोल है, तो इसमें भी ऐसे गोल बना देते हैं, बन गया। अब देखिए ये ऊपर है फिर नीचे, ये ऊपर है फिर और नीचे है, तो नीचे बना दिए, फिर ऊपर बनेगा, बना दिए, हो गया। आगे देखिए ये एक है और नीचे क्या है, दो है, फिर नीचे क्या है, तीन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, दो है तो फिर एक घट गया, तीन है तो फिर एक घट गया, दो हो गया, फिर एक घट गया, एक हो गया। उसी तरह ये बनाएंगे, एक दो है तीन है, तो नीचे रखेंगे चार, इसमें रखेंगे पाँच नीचे, फिर घटाते जाएंगे, कब तक, जब तक एक ना आ जाए। यहाँ पर के को बनाएंगे, चार को बनाएंगे, ठीक है, फिर तीन को बनाएंगे, फिर दो को बनाएंगे, फिर बनाएंगे एक को, हो गया। आप इस तरह बनाइएगा एकदम अच्छा सा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक दो तीन, अरे हो गए चार, यहाँ बनाएंगे पांच।
यहाँ पर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, फिर घटाते जाएंगे 1, 2, 3, 4, फिर एक और घटाएंगे, 3 हो गया, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1, ठीक है। फिर आप वो बोल रहे हैं कि आप इस तरह से एकदम अच्छा से बनाएगा, रंगने की जरूरत नहीं है, बस सादा बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए, दो दो का जोड़ा बनाया हुआ, कैसे? देखिए, ये है तो ये शुरू में है, दो ए है, यहाँ भी दो ए है ना, तो देखिए एक है ये, फिर दो ए है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 है वो, तो 3 लिख देते हैं, हो गया। अब देखिए, हर दूसरा बार में क्या है, बी लगाया हुआ, बी लगाया हुआ ना अंत में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी लगा देंगे, हो गया खत्म। तो यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि दूसरा में बी है, चौथा में बी है, इसलिए यहाँ पर अंत में बी लगाए थे, ठीक है। 3 को ए ले लिए थे, अंत में बी लगाते हैं, यहाँ पर 3 को ए। यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा है, यहाँ पर देखिए 3 का समूह है, एक वर्ग है, फिर त्रिभुज है, फिर वृत्त है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग हो गया, फिर त्रिभुज आएगा, फिर वृत्त आएगा, हो गया। आगे देखिए क्या दिया हुआ, 7 में एक वर्ग है, फिर 2 वर्ग है, फिर 3 वर्ग है, तो यहाँ पर 4 होगा वर्ग, यहाँ पर 5 होगा। खाली यहाँ नोटिस करना है कि घटते क्रम में आकार में छोटा होते जा रहा है, तो उसी प्रकार छोटा होते जाएगा। देखिए एक बड़ा सा बना लें, ठीक है, फिर छोटा सा बनाएंगे, फिर एक और छोटा सा, फिर एक और छोटा सा, ठीक है। तो 4 को हो गया, उसके बाद एक 5 को चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आप इसको स्केच से बनाइएगा, तब जाके एकदम सटीक बनेगा। अब आगे है, यहाँ पर देखिए लाइन गिनते हैं, 1, 2, 3 है, तो यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा, 1, 2, 3, 4, यहाँ 5 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, हो गया। अब इसको देखते हैं, 4 है, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 होगा, और फिर अंत में 0, 0 यानी कुछ नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये कैसे बनाया हुआ, एक लाइन ऐसे, फिर ऐसे, फिर सेकंड में कैसे बनाया हुआ, ऐसे ऐसे दो लाइन है, फिर दो कट कर दिए। आगे क्या है, एक ऐसे ऐसे बना दिए, ठीक है, 3, उसके बाद 3 बार ऐसे काट दिए, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें क्या होगा, 4 होगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसमें 5 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, हो गया। देखिए पहला लेटर देखते हैं, पहला देखिए जे के बाद के आता है, के बाद एल आता है, तो एल के बाद क्या आएगा, एम, फिर आएगा एन। उसके बाद देखिए सेकंड लेटर देखते हैं, सेकंड देखिए के बाद आता है एल, एल के बाद एम आता है, एम के बाद आता है एन, उसके बाद आता है ओ। उसके बाद देखिए थर्ड अल्फाबेट देखते हैं, एल एम एन, देखिए एल के बाद आता है एम, उसके बाद एन, उसके बाद आएगा ओ, उसके बाद आएगा पी, तो हो गया आंसर, एम एन ओ एन ओ पी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, आइए कुछ करें, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये ऐसे मुड़ गया, ठीक है, फिर ये ऐसे मुड़ गया, तो देखिए कितना मुड़ता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कोण क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री, होता है ना। आप समझिए कि इसके 20 से डिवाइड करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, ये होगा 45 डिग्री, समझ गए, ठीक है। और समझिए इधर भी क्या है, 90 डिग्री, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 45 डिग्री, एक तो समझ गए। अब आगे समझिए, ऐसे देखिए ये 90 है ना, तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये नीचे ऐसे बनाया हुआ है, तो मुड़ के ऐसे हो गया, इधर हो गया, हो गया ना, तो कितना मुड़ा है, 90 डिग्री मुड़ा है। फिर आगे देखिए ये मुड़ के ऐसे हो गया, ठीक है, तो ऐसे मुड़ा है, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो कितना मुड़ा है, 90 डिग्री मुड़ा है ना, ठीक है। तो उसी तरह फिर क्या हो जाएगा, फिर ऐसे मुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, तो हो गया आंसर। आगे देखिए बिल्कुल इसी प्रकार है, देखिए ऐसे है, देखिए ऊपर की दिशा में है ना, ऊपर की दिशा में, फिर क्या होगा, ऐसे नीचे आ गया, तो इस दिशा में हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए उसके बाद क्या है, फिर ये नीचे चला गया, देखिए ये नीचे आ गया, तो नीचे आ गया, तो फिर ऐसे मुड़ा 90 डिग्री, तो फिर क्या मुड़ेगा, फिर ऐसे 90 डिग्री मुड़ेगा, तो यहाँ होगा, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं, इसको ये तीर कहाँ है, इधर जाएगा, ठीक है। फिर से आपको बताते हैं, ऐसे चुपचाप बना लेते हैं, ये तीर क्या ऊपर है, तो देखिए फिर है ना, ये है ना, ये कैसे मुड़ा है, इधर आ गया, ठीक है, तो इधर तो मुड़ा कितना है, 90 डिग्री, ठीक, मुड़ गया। उसके बाद देखिए फिर से नीचे आ गया,
ठीक है, फिर मुड़ेगा 90 डिग्री, ठीक है, तो आगे कैसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा 90 डिग्री, ठीक है, तो बना दिए, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, जो तीर है ना इस तरफ रहेगा, तो देखिए गोल है तो गोल बना दिए, तीर रहेगा इस तरफ, हो गया। आगे देखिए ये है, फिर ऐसे टेढ़ा, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले देखिए ऐसे बना लिए, ये है इस दिशा में, ठीक है, फिर से क्या हो गया, फिर इस दिशा में आ गया, तो ऐसे क्या हो गया, 90 डिग्री मुड़ गया, फिर क्या देखिए नीचे की ओर है, फिर से 90 डिग्री मुड़ गया ना, तो फिर क्या होगा, फिर से 90 डिग्री मुड़ेगा, तो ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, तो ये ऐसे हो जाएगा, हो गया, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ऐसे बना देना है, उसके बाद देखिए ये क्या है, ऐसे है, ये वाला है, फिर ये वाला है कैसे है, ऐसे है, ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या है, ऐसे है ना, तो देखिए यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री मुड़ा, फिर 90 डिग्री मुड़ा, तो फिर से मुड़ेगा 90 डिग्री, तो ऐसे हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया आंसर, तो देखिए ऐसे ऐसे आंसर हो गया, ये सबसे पहले ऐसे बना देते हैं, बना दिए, उसके बाद देखिए ये ऐसे है इस दिशा में, ठीक है, देखिए ये वाला सेकंड वाला क्या है इस दिशा में, ठीक है, तो इस दिशा में ऐसे है, तो कितना मुड़ा, 45 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखिए ऐसा सीधा है, 30 दिशा में आ गया, फिर से कितना मुड़ा है, 45 डिग्री, आगे देखिए फिर से ऐसे टेढ़ा हो गया 30 दिशा में, ठीक है, तो फिर से कितना मुड़ा है, 45 डिग्री, तो अगली बार कैसे मुड़ेगा, 45 डिग्री मुड़ेगा, तो किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, समझे, तो हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ख़त्म, तो यहाँ पर देख रहे हैं 45 डिग्री 45 डिग्री मुड़ते जा रहा है, तो ऐसे बनाते हैं ना, तेज तो खड़ा है ना, तो 90 डिग्री है, ठीक है, 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री होगा, और ये वाला भी 45 डिग्री होगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो यही इसमें इस्तेमाल हुआ, फर्स्ट वाला है इस पे, सेकेंड वाला है इस पे, थर्ड वाला है इस पे, फोर्थ वाला है इस पे, तो अगला बार क्या आएगा, अगला बार यहाँ आएगा, यहाँ, समझिए, तो वही बना, तो यहाँ पर ऐसे बना दिए, हो गया आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, ताकि वो भी पढ़ाई कर सके अच्छे से।